16 जनवरी दिन मंगलवार, लोकमत न्यूज की ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य द्विवेदी। और मैं हूं स्वाति सिंह। पहले आज की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। मोदी सरकार ने हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी है। इसकी घोषणा करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सब्सिडी के फंड का इस्तेमाल मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई में खर्च किया जाएगा। नकवी ने कहा कि यह बिना तुष्टिकरण के अल्पसंख्यकों को समृद्ध बनाने की सरकार की नीति का हिस्सा है। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की इजाज़त दी थी। इस साल 1,75,000 मुस्लिम हज यात्रा पर जाने वाले हैं, जिनकी यात्रा की सब्सिडी पर करीब 700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता। देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने आज सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाने वाले 4 जजों से मुलाकात की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन 4 जजों से बुधवार को भी चीफ जस्टिस मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जस्टिस जे चिलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए थे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं फिल्म का विरोध कर रहे राजस्थानी संगठन राजपूत करनी सेना ने मंगलवार को धौलपुर में विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म को पूरे देश में प्रतिबंधित करने की मांग की है। सेंचुरियन में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका का हर रन भारत के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 209 रन बना लिए हैं। फॉफ डुप्लेसिस 24 रन, केशव महाराज बिना खाता खोले क्रीज पर हैं। साथ ही मेजबान टीम की कुल बढ़त 237 रनों की हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के लिए चौथे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही और मोहम्मद शमी ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से जुड़ी आज की स्पेशल स्टोरी के साथ हाजिर हैं महेंद्र रेड्डी। पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रही थी। रैली के दौरान 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया और इसी हमले में बेनजीर भुट्टो की मौत हो गई। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद कई तरीके की अटकलें लगाई गई, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से लेकर बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी तक का नाम सामने आया। बाद में पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत के लिए ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार था। बेनजीर भुट्टो की हत्या के संबंध में हाल ही में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के मुखिया मंसूर आसिम मुफ्ती नूर वली ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंकलाब महसूद दक्षिणी वजीरिस्तान, ब्रिटिश राज से अमेरिका साम्राज्यवाद तक। इस किताब में उन्होंने दावा किया है कि बेनजीर भुट्टो की हत्या तालिबान ने की। इस किताब में बेनजीर भुट्टो की मौत के पीछे की वजह और घटना को अंजाम देने के तरीके का भी जिक्र किया गया है। आप सुन रहे थे लोकमत न्यूज का ऑडियो बुलेटिन। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए पढ़ते रहिए लोकमत न्यूज़.इन।